गुड मॉर्निंग वंस अगेन क्लास। हाँ, तो हम लोग स्टडी कर रहे थे अबाउट द बैक पेन। तो बैक पेन में मैंने आपको जैसे पहले बताया कैसे किस रीजन से होता है और किस तरीके से हम इसको रिलीफ ले सकते हैं, कौन कौन से पॉस्चर्स हैं जो हमें करने से, ये मैं भी आपको बताऊंगा कौन कौन से पॉस्चर करने से और क्यों होता है, और जो प्रॉपर पॉस्चर ना होने की वजह से बैक पेन आपको क्यों क्रिएट होता है। खैर, तो अब हम आते हैं आपके बैक पेन से रिलीफ लेने के लिए, रिलीफ के लिए आपको कैस कौन कौन से पॉस्चर्स करने हैं। तो सबसे पहला जो पॉस्चर है आपको बैक पेन के लिए जो बताया जाता है वो है आपका ताड़ासन। ताड़ासन कैसे करना है, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, बल्कि मैंने अपनी पिक्स भी भेजी थी, इसको क्या बेनिफिट होते हैं इसको करने से और क्या कंडीशंस होती हैं, किस तरीके से करना चाहिए। अब आपको सीवियर बैक पेन है, यानी आपको चलने फिरने में या फॉरवर्ड बेंडिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप थोड़ा सा इस पे ध्यान रखें कि इसको करने जितना हो सके उतना करें, वरना इसको करने से बचें। इसके बाद आता है आपका ताड़ासन, के बाद मैंने आपको बताया था भुजंगासन। भुजंगासन कैसे करना है, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं और जो है इसकी कंडीशंस क्या क्या होती है, ये सब मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये भुजंगासन, पहला मैंने बताया ताड़ासन, दूसरा भुजंगासन, तीसरा इंपॉर्टेंट है आपका शलभासन। शलभासन क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये मैंने आपको पिक्स भी भेजूंगा, आप इसको वीडियो में भी चेक कर सकते हैं। आप किसी भी वीडियो में आप डालेंगे शलभासन क्या होता है, सबसे पहले आपको उल्टे लेटना है, पेट के बल हाथों को पीछे अपने लेके जाएंगे और पैरों को जोड़कर जितना हो सके सीधा उठाने की कोशिश करेंगे विदाउट बेंड योर नीज, और जितनी देर तक आप उसे होल्ड करेंगे अपनी चिन को फ्लोर से लगाकर रखेंगे और फिर आप पैरों को एक साथ जोड़कर जितना हो सके आप अपनी बॉडी को लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे लोअर बैक पोर्शन को। अब वो लोअर बैक पोर्शन आपको जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं वो आपको उतना ही आपको रिलीफ देगा। अब इससे क्या क्या बेनिफिट हैं और किसको नहीं करना चाहिए, ये पहले मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूँ। सबसे पहले बेनिफिट आपका ये है कि आपको जो है बैक पेन से रिलीफ मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिलीफ के बाद आपको ये आसन जो है आपकी सियाटिका जो प्रॉब्लम होती है नर्वस सिस्टम में, हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, उससे आपको रिलीफ मिलता है और आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम जिनको होती है अगर वो शलभासन करेंगे तो उससे रिलीफ मिलता है। इट रिड्यूस स्ट्रेस, दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि आपकी स्ट्रेस को रिलीज करता है। तीसरा है आपके आपकी बॉडी को शेप अप करता है, आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है आपके लोअर बैक पोर्शन में, थाइज में जो एक्स्ट्रा फैट है उससे आपको रिलीफ मिलता है। उसके बाद आपका जो है आपकी बॉडी में जो है हेल्पफुल टू शेप अप, हेल्पफुल रिड्यूस हाँ वो एक पॉइंट और इसका रह गया है, वो है आपका आपको हेल्प करता है आपके कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ करने के लिए, क्योंकि आपको अगर किसी लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा एक्यूट प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन अगर आप इस पॉस्चर को प्रॉपर करेंगे और रेगुलर करेंगे तो आपको इससे आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो ये आपका शलभासन बताया, तो मैंने आपके कौन कौन से पॉइंट्स बताए, सबसे पहला बैक पेन से रिलीफ, दूसरा साइकिका और जो आपका स्लिप डिस्क है उसको रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करता है, आपके स्ट्रेस को दूर करने में हेल्प करता है और आपकी बॉडी में जो जो प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन वाली उसको रिलीफ करने में, रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये आपकी बॉडी में की में जो एक्स्ट्रा फैट होता है उससे भी आपको बेनिफिट मिलता है, आपकी बॉडी को प्रॉपर शेप मिलता है। ये तो इसके बेनिफिट हो गए। इसके बाद आता है आपकी कंडीशंस कि इसको इसकी कंडीशंस क्या है। अगर आपकी बॉडी में एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो आप इस पॉस्चर को ना करें, ठीक है। जो प्रेग्नेंट लेडी है वो ना करें इस पॉस्चर को। दूसरी तीसरी बात ये कि अगर आपकी बॉडी में जो है हार्निया की प्रॉब्लम है तो आप इस पॉस्चर को ना करें, बस ये कंडीशंस हैं, थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, बाकी आप इसको नॉर्मल लोग कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। हाई बीपी, अगर आपको एक्यूट लेवल का हाई बीपी है तो आप इसको अवॉइड करें, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करें जितना हो सके, लेकिन ये आपको बेनिफिट बहुत सारे देगा अगर आप इसको रेगुलर करते हैं। इसके बाद आपका दूसरा मैंने भुजंगासन आपको बताया, ताड़ासन आपको पहले ही बता चुका हूं, और अब आता है आपका जो पॉस्चर्स में है वो अर्धमत्स्येन्द्रासन। अर्धमत्स्येन्द्रासन और इसके बाद आता है वक्रासन। ये लगभग देखने में दोनों एक से लगते हैं, मगर ये जो है इतने थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो ये आपकी लोअर बैक की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं
और आपको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये सारा मैंने आपको आपको नोट्स पॉइंट टू पॉइंट आप उसमें देख सकते हो पिक्स में जो मैं आपको भेजूंगा। उसके बाद जो आपको ये किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो अर्थ मत्स्येंद्र आसन मैं आपको मुझवानी तो नहीं बता सकता, उसकी पिक्स दिखाऊंगा, पिक्स भेजूंगा, उसको आप ठीक से कर सकते हैं। और वक्रासन भी लगभग सेम लगता है, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले अर्थ मत्स्येंद्र आसन के क्या बेनिफिट हैं हम इसको पहले देखते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑफ बैकबोन। जो आपकी स्पाइन है, जो आपकी बैकबोन है, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को जो है इंक्रीज करता है। आपकी रीढ़ की हड्डी जो है बहुत लचीली होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी अगर होगी आपकी बॉडी में तो आप बहुत ज्यादा फिट और स्मार्ट बन के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मेंटेन शुगर लेवल, ये एक मेन पॉइंट है। शुगर लेवल कैसे, जब आप वक्रासन करेंगे, आप अपनी कमर को ट्विस्ट करेंगे, तो आपकी बॉडी में जो पेनक्रियाज हैं, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, वो हर पोस्चर से एक इस साइड से किया जाएगा, वो अर्ध मत्स्येंद्र आसन, और दूसरी साइड से दोनों तरफ से करेंगे, तो आपके पेनक्रियाज जो है आपके इंसुलिन को प्रोड्यूस करेंगे, और इससे आपकी शुगर लेवल को मेंटेन रखने में बहुत बड़ा एक रोल अदा होता है। तो अब आप देख सकते हो कि इंसुलिन का कितना बड़ा रोल है, डायबिटीज में पहले पढ़ाया जा चुका है आपको, पांडे सर ने पढ़ाया था, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैव टू रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन, जैसे पिछले पोस्चर मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपकी कमर जो है बहुत ज्यादा ट्विस्ट करती है, फ्लेक्सिबल होती है, उसी लिहाज से आपको आपके कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। इसके बाद आता है क्योर बैक पेन, आपके बैक पेन को रिलीफ मिलता है। वैसे हेल्प टू इंक्रीज O2 सप्लाई इन लंग्स, ये मेन पॉइंट्स है, इसका ध्यान रखें कि हेल्प टू इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा हेल्प होती है उसको इंक्रीज करने में। आजकल के दौर में जो आप देख रहे हैं कोरोना फैला हुआ है, तो उसके लिए आपका प्रॉपर ऑक्सीजन, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेवल पहुंचाने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको इस आसन से बहुत बेनिफिट मिलता है। तो जितना हो सके इस पोस्चर को करेंगे और आपकी बॉडी में लॉन्ग, आपके लंग्स में O2 की कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये आपको मैंने पॉइंट्स बताए, इसके बेनिफिट बताए, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर बैक पेन, नंबर टू मेंटेन शुगर लेवल, कैसे मैंने आपको इससे पहले बता दिया है, हेल्प टू रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे का वो बेनिफिट होगा ये मैंने आपको बताया। उसके बाद क्योर बैक पेन, एंड फिफ्थ इज हेल्प टू इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई इन योर लंग्स, ऑक्सीजन सप्लाई आपके लंग्स में बढ़ाता है। अब इसकी कंडीशंस क्या है, इस किस किस को करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, तो ये आपका आपका शुरू होता है कि किसको नहीं करना चाहिए। तो जिनको आप, मैंने आपको पहले बताया, जिनको एब्डोमिनल सर्जरी हो, कोई प्रॉब्लम हो चुकी हो, हार्निया हो, ठीक है, और एक्यूट लोअर बैक प्रॉब्लम हो, एक्यूट लेवल की, इसमें आप टर्न ना कर सके, तो आप बिल्कुल भी इस पोस्चर को ना करें। वो जो बिल्कुल एक्यूट प्रॉब्लम है बैक पेन की, तो आप इसको नहीं करें, ठीक है। जिनके बहुत ज्यादा इंजरी हो जाती है, स्लिप डिस्क हो जाती है, सैटिकल प्रॉब्लम है, तो वो लोग इस पोस्चर को ना करें। इसके बाद आता है वक्रासन, वक्रासन भी लगभग सेम है इसका अर्थ मत्स्येंद्र आसन का, तो इसका भी यही बेनिफिट्स हैं। फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, क्योर बैक पेन, इम्प्रूव, अब इसमें जो फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कार्ड एंड नर्वस सिस्टम, जब आपकी स्पाइनल कार्ड फ्लेक्सिबल होगी तो आपके नर्वस सिस्टम जो है बहुत एक्टिव रहेगा। स्पाइनल कार्ड का क्या काम होता है, नर्वस सिस्टम में इसकी क्या रोल होता है, ये आप अच्छे से तरीके से जानते हैं। जो स्पाइनल कार्ड होती है वो आपके माइंड को ऑर्डर करती है कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, और माइंड उसको ऑर्डर देता है आपकी बॉडी को कि आप इस चीज से आप अपने आप को कैसे बचाते हैं। तो ये पूरा नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करता है, और इसको इम्प्रूव करने में, इसके फंक्शंस को इम्प्रूव करने में इस वक्रासन का बहुत बड़ा रोल है। तो इसके बाद तीसरा पॉइंट है, इट स्ट्रेंथेन किडनी। अब आपकी किडनी का, ये मेन पॉइंट्स मैंने इसलिए बता रहा हूँ आपको कि किडनी का क्या रोल होता है। आजकल किडनी की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है, और ज्यादातर लोग पेशेंट हो रहे हैं किडनी के, एक्यूट डिजीजेज हो रही हैं किडनी से रिलेटेड। अगर आप ये आसन करेंगे तो आपकी किडनी के लिए
किडनी की ताकत जो है और बढ़ेगी और किडनी आपकी बहुत ज्यादा अपने फंक्शंस को अंजाम देगी। तो इस आसन से किडनी के लिए किडनी ये आसन किडनी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है और जितना हो सके आप इसको करने की कोशिश करें, स्टेप बाय स्टेप करिएगा। अभी आपको मैं ये आसन दिखाऊंगा, पिक्स भेजूंगा, आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर कैसे करना है और इसके क्या बेनिफिट होते हैं मैंने आपको बता ही दिए हैं। फिर से एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ, क्योर बैक पेन दो, इसके बाद इम्प्रूव फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम, तीसरा इम्पॉर्टेंट इट स्ट्रेंथन किडनी, किडनी की ताकत आपको बढ़ाता है, किडनी को और मजबूत करता है किडनी के फंक्शंस को, ठीक है। तो ये मैंने आपको पॉस्चर्स बताए, कौन कौन से पॉस्चर्स, फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको, रिमाइंड कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉस्चर है आपका ताड़ासन, दूसरा मैंने बताया आपको भुजंगासन, ठीक है, ताड़ासन भुजंगासन, तीसरा मैंने आपको बताया उसके बाद शलभासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, ठीक है, और उसके बाद वक्रासन। तो ये जो पॉस्चर्स हैं ये आपको बैक पेन में करने हैं, आपको इससे रिलीफ मिलेगा और आप इसके बारे में जैसे मैंने आपको आपको मैंने लेक्चर दिया है बताया है, इसको अगर आप क्वेश्चंस में आता है तो इसमें लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। और हाँ, मैंने आपको एक चीज़ शायद अभी बताना भूल गया, वक्रासन को की कंडीशंस क्या है। तो जो कंडीशन आपकी अर्धमत्स्येन्द्र आसन में है उसी तरीके से वक्रासन में, जैसे किसी को हार्निया है, किसी की एब्डोमिनल सर्जरी है, प्रेग्नेंट लेडी है कोई, तो वो इसको ना करे तो बेहतर हो, एक्यूट लोअर बैक प्रॉब्लम है तो ये इसको ना करे। तो इस तरीके से आपकी लोअर बैक का ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो रहा है। लोअर बैक में एक चीज पॉइंट ऑफ भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो होता है लोअर बैक में सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस और स्पॉन्डाइटिस लंबर। तो लंबर यानी लोअर बैक में L4 L5 जो आपकी बोन्स हैं L4 L5 सैक्रम, इसका जो प्रॉब्लम होती है, इसकी प्रॉब्लम होती है, स्पॉन्डाइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो ये आपका एक्यूट लेवल बढ़ा देती है आपके लोअर बैक का। तो जाहिर है आप इसके लिए ये जो पॉस्चर्स मैंने आपको बताए हैं ये अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, वो क्वेश्चन आंसर आपको तैयार करने हैं अपनी कॉपी में, इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। थैंक यू।